आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। पयापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा मोहनपुर माफी में ग्रामीण कोटेदार हरिराम यादव से परेशान है। मोहनपुर माफी के प्रेम राजित राम, सुंदर लक्ष्मी देवी, मालती देवी, कुष्मा देवी, माया देवी, तारा देवी आदि सैकड़ों ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाया है और कहा कि कोटेदार कार्ड बनाने के नाम पर 500 और 1000 रुपए मांगते हैं। इतना ही नहीं, सरकार की योजनाओं को दरकिनार करते हुए यह तक कह डाला कि जिस योगी बाबा को आपने चुनाव में वोट दिया उसी से जाकर राशन ले लो। परेशान ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया तो कोटेदार ने भद्दी भद्दी गालियां दी और कार्ड धराकरों को खदेड़ दिया। परेशान ग्रामीण इकट्ठा होकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने तहसील कार्यालय गए। ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया, साथ ही कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। क्या ऐसे मन भर कोटेदार के ऊपर कार्रवाई होगी या फिर वह अपनी मनमानी करते रहेगा? योगी सरकार गरीब असहाय के लिए दिन रात तक जनता की सेवा में अपने अधिकारियों को हमेशा निर्देशित करती आ रही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा नहीं रहे, पर उस यह कोटेदार सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए ऐसी बड़ी बात कह डाली। इस समय हम जनपद बहराइच के तहसील पयारपुर में, पयारपुर के परिसर में खड़े हुए हैं, जहां पर मोहनपुर माफी से चल करके सैकड़ों ग्रामीण यहां पर आए हुए हैं और सैकड़ों ग्रामीण आरोप ये लगा रहे हैं कि जो इन मोहनपुर माफी ग्राम सभा के कोटेदार हैं वो राशन देते नहीं है और राशन मांगे जाने पर उनके पुत्र और कोटेदार द्वारा भद्दी भद्दी गालियों से नवाया जाता है। और इसके बाद में ये भी आरोप लग रहा है कि वो बार बार ये कहते हैं कि जिस योगी सरकार को आपने सत्ता पर बिठाया है उसी योगी सरकार से जाकर के गल्ला लीजिए। अब आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि ग्रामीणों का इस बारे में क्या कहना है। जी आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश नाम जी। आपका क्या आरोप है कोटेदार के ऊपर? कोटेदार हमारा यह आरोप है कि गन्ना बराबर देते नहीं है। जी जी, और क्या कहना चाहेंगे कोटेदार के बारे में? अरे हमारे, हम 500 रुपए, हम 600 रुपए दिए हैं जी, और हमारे 2 यूनिट बनाया है क्यों जी? हाँ। और जी आपका शुभ नाम? राम कुमार वर्मा जी। आपका क्या आरोप है कोटेदार के ऊपर? आरोप ये कि कोटेदार जो मोहनपुर माफी के हरिराम हैं जी, वो गले का घटोली करते हैं और जब उस पर हम लोग कोई टिप्पणी करते हैं तो वो भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं और बेहोशी से पेश आते हैं जी। जैसा कि एक अभी एक व्यक्ति ने बताया कि वो जो कोटेदार हैं वहाँ के, वो ये कहते हैं कि जिस योगी सरकार को आपने सत्ता पे बिठाया उसी से गला लीजिए। क्या बात सत्य है? गलत सत्य है जी। वो यही कहते हैं कि आपने जिसको बैठाया है सत्ते में, योगी बाबा से जाके गल्ला मांगिए और योगी बाबा से गल्ले मांगिए, योगी बाबा ही गल्ला देंगे। जी बाबा आपका शुभ नाम? जी आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? आपका क्या आरोप है बाबा? वो कार्ड में नाम जो है जी, वो कट गया था, उसके लिए 2 साल से मैं पैसा ले रही हूँ। अभी 2 साल इस बार आया था तो 300 रुपया लड़के से लिया, तो उसका कार्ड जो है अलग करके बनवाया जी, अभी तक बना नहीं जी। और कभी 2 आदमी का केवल राशन मिलता है जबकि 5-7 आदमी हो जी, इस तरह से जो है जी। भाई साहब आपका शुभ नाम जितेंद्र जी, आपका क्या आरोप है कोटेदार? जिसे हमारा बड़ा वाला भाई खत्म हुआ 3-4 महीने हो गए जी, तो उसके राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसे लिए थे हमारे भाभी से जी, तो पैसे भी दे दिया, उसके बाद राशन कार्ड भी नहीं बना, उसको राशन भी नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास केवल 600-700 थे जी। जी जी आप रोइए मत, ये बताइए कि वो राशन आपको देते हैं या नहीं देते हैं? हमको देते हैं लेकिन हमारे भाभी को नहीं देते जी। नहीं देते? और घरतोली भी करते हैं? घरतोली भी देते हैं। कितना राशन देते हैं? 5 किलो यूनिट के हिसाब से आता है, तो मैं 4 किलो 3.5 किलो भी देते हैं जी। आइए फिर राशन को लेकर। आपका क्या नाम है? शरद कुमार की रिपोर्ट।